So you are David. रंजीत, कोटी ने बताया था, कोटी से मिले ना? अब तो आपसे मिल लिया ना। Assignment has started. Dimitri, don't worry. I'll do my best. I understand situation. Okay. I will call you back. Sure. लुटा हुआ माल फिर से हासिल करके कैसा लग रहा है आपको? अनबिलीवेबल। ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। डेविड, मीट समीरा, माय गर्लफ्रेंड। हाय। ओके, वेल मीट इन इवनिंग, कम टू माय क्लब। जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी, समय नहीं हमारे पास। आगे आगे चलो जल्दी, क्या कर रहे हैं? सर ये मेरा राशन कार्ड है। मैं कर रहा हूँ ना काम, अब क्या मैं तेरे लिए स्पेशल बताऊँ? सब लोग एक ही सवाल पूछ पूछ कर जान खा जाते हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। नमस्ते। हाँ, सर। अगला। कहीं जगह नहीं मिलती है तो यहीं भाग कर आ जाते हैं, यहाँ हम लोगों के गले अटक जाते हैं। तरफ। ये भी कोई नौकरी है? नाम? बिल्ला, डेविड बिल्ला। लोग क्या कह के पुकारते हैं तुम्हें? ये पुकारने वाले पर निर्भर है। कहाँ से आ रहे हो? दरिया से। अबे ये तो हम भी जानते हैं, किस शहर से आए हो ये पूछ रहे हैं साहब, तमीज से जवाब दो। गांव? पालमपुर। पिताजी? माँ? तो क्या अनाथ है? नहीं, सिर्फ बहन है। कहाँ पर? मुंबई में। एड्रेस बता। नहीं जानता। पालमपुर में क्या उखाड़ रहा था? घास उखाड़ रहा था। ओए चेक कर इसे, आतंकवादी है तू। योद्धा और आतंकवादी में एक ही अंतर होता है, जीत। जीतने तक आतंकवादी और जीतने के बाद योद्धा। क्यों बे, कोई मार्क है क्या? नहीं है सर। नहीं है? एक भी नहीं है सर। इसे ले जाकर फोटो खिंचवा दे। चल हाँ मेरे पीछे आ। आएगा सबका नंबर। अगला। हाँ, इधर। सुबह से बच्चा रो ही रहा है, आज दूध नहीं मिला, कब मिलेगा? दो चार दिन दूध नहीं मिलेगा तो मर जाएगा क्या? ये सब दूध पीकर बड़े होकर कलेक्टर बन जाएंगे हैं? क्या है? वो देखो, उसको थप्पड़ मार दिया। क्या करें,
एक तो सारे लोग थके हारे हैं, यही है, ऊपर से थोड़ा सताएंगे तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगी। हाँ चल चल, चलो जान दो, अपना काम करो। क्या नया आए हो? नाम बिल्ला, डेविड बिल्ला। अरे सुनते हो, क्या छोटे, गर्मा गर्म चाय पिलाऊं क्या? ए, मजाक कर रहा है क्या? रघुवीर साहब के बारे में तूने ही खबर दी थी, ये अभी तक उनको नहीं पता, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है। अगर पता चल गया तो तू तो गया काम से। ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? मैं तेरे इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ बोल ले, जितना चाहे बोल ले, तेरा तो टाइम आ गया। डेविड, तुझे देख कर छोटू कैसे भाग रहा है, देख। आइए भाई। भुवन चाय दे। क्यों डेविड, हमारा तो कोई काम धंधा नहीं इसलिए यहाँ पर है। तुम्हारी तो एक दीदी ऐसा कहा था ना, तुम वहाँ जा सकते हो ना? पहले भी मुझे मेरे परिवार ने नहीं समझा, अब समझ पाएंगे कि नहीं क्या पता, लेकिन जाकर मिलना तो होगा। भाई स्पेशल चाय। डेविड, जब से तुमने छोटे को मारा तब से तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। चल टॉर्च दे। ये लीजिए सर। ए, ये है क्या? ये नहीं है सर। ये है? सर ये अंधा है सर। तो वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा सर वो। सर यहाँ देखते ना सर। क्या कहा? उठ बे। चल उठ। ये है क्या? ये नहीं है सर। नहीं है? तो फिर वो कहाँ गया? ए, उठ। ये है क्या? सर ये भी नहीं है सर, ये तो नए आए हैं। अबे तो फिर है कहाँ? क्या है बे, क्या करने वाला है साले? की कोशिश की ना, उसकी यही हालत होगी। ए छोटे, इसे उठाकर समंदर में फेंक दे। रघुवीर सिंह इस कैंप का सिक्योरिटी ऑफिसर है, इससे पंगा लिया तो यही हाल होता है। विमल जहां पर काम कर रहा है वहां 5-6 लोगों की जरूरत है, वहां और भी काम है उसने कहा था। ओए इधर आ। मैं? आ तू इधर आ। चल बैठ जा, थाने चलना है। क्यों सर, क्या काम है? एक अपराधी भाग गया है, इसलिए 2 दिन अंदर रहकर आ जा, मैं पैसे दिलवा दूंगा। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, मुझे काम पे जाना है। तो आएगा या नहीं आएगा ये पूछने नहीं आया, चुपचाप गाड़ी पर बैठ जा। नहीं सर, मैंने सर नहीं सर, 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 सर मर रहा है क्या तेरी तो? हम बागी जरूर हैं पर अनाथ नहीं है। डेविड, छोड़ डेविड।
से जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अगर इससे ज्यादा तुम कुछ करना चाहते हो तो 4 दिन के बाद ही बाहर आ जाएगा, फिर तुम जो चाहो कर लेना। अनाथ नहीं, जाने क्या क्या बोला था। हाँ? क्या हुआ, कोई भी यहां बचाने नहीं आया? हाँ? बाहर निकल, और भी बाकी है। चूना पोतने के लिए 5 लोग चाहिए। मैंने कहा था ना, रोज काम के लिए लोगों को चुनता है। अच्छा तू आ, तू भी आ। ए मोटे तू भी आ। लोहा उठाने के लिए 3 लोग चाहिए। हाँ तू आ, तू भी आ। हाँ तू भी चल। पत्थर तोड़ने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। रवि तू आ। हाँ कपिल तू भी आ। ए मोटे तू भी चल। हाँ आज सिर्फ इतने ही, अगर जरूरत पड़े दोबारा बुलाऊंगा। अब जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना भाई जाओ। पगार मिलते ही कमीशन मिल जाना चाहिए, वरना मैं बहुत गुस्से वाला हूँ पता है ना, याद रखना। चलो चलो गाड़ी वहाँ खड़ी है, जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना भाई। भाई क्या है भाई, आप दोनों के लिए मैंने एक अच्छा सा काम चुनकर रखा है और आप लोग ऐसे जा रहे हैं। चलो ना। पैसे अच्छे मिलेंगे तो आएंगे। तो फिर तैयार रहो, मैं आकर बुलाता हूँ। अच्छी को संभाल के ले जाओ। हाँ अच्छी है। सलाम भाई। हाँ जो रे छोटे। सलाम भाई। क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों हुई? भाई मैंने कहा था ना, वो 2 लोग हैं। हाँ डेविड रंजीत। सलाम। बोलिए सर। मैंने मुंबई में एक पार्टी को मछली सप्लाई करने के लिए कहा है, अब यहाँ अचानक ट्रक वालों ने स्ट्राइक कर दी है। अब क्या करूँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये खराब होने वाली चीज़ है, अगर समय से पहुँच जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, पगार कितना मिलेगा? वैसे तो 3,000 रुपये देते हैं, स्ट्राइक है इसलिए 3,500 दे देंगे। 5,000 लेंगे। क्यों बे, ये लोग तो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अगर मछलियाँ खराब हो गई तो उसको समंदर में ही फेंक दोगे ना? अरे हाँ कह दो ना भाई, अगली बार देख लेंगे। छोटे जैसा कहा था वैसे तुम लेकर आ गए, हिसाब मैंने कर दिया है। अगर सामान पहुंच गया तो एक फायदा, और नहीं पहुंचा तो दुगना फायदा होगा। भाई मैं आपको फोन करता हूँ, आप निकलो, चलो जाओ। ठीक है सर। डेविड उस छोटे को तो 2 और लगाने चाहिए थे। क्यों? एक ही थप्पड़ में 5,000 का काम दिया है, 2 लगाए होते तो हम दोनों को 5,000 मिलते। मछली खराब ना हो जाए इसलिए डर गया था। ऐसे लोगों का डर ही हमारी ताकत है। डेविड हम सब एक काम खत्म करने के बाद 1 हफ्ते तक मुंबई में खूब ऐश करेंगे, फिर लौटेंगे। मैं भी दीदी से मिलकर आ जाऊंगा। ए रुको, इधर इधर, साइड में, साइड में, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, रुको, साइड में, साइड में, साइड में, रुको, रुको, साइड लगाओ, साइड लगाओ, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, साइड में लगाओ, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, 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 आ गया, आ गया, हाँ, इस पर चलो, ले आओ, ले आओ, बस, बस, ए, तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतरो, चलो। क्या लेकर जा रहे हो? क्या साहब, जुकाम हो गया क्या? मजाक कर रहा है तू? नहीं, इतनी बास आ रही है, मछली ले जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा। ए राजू सर, गाड़ी चेक करो। जी सर। सर ये मिल गए सर। पांडे सर क्या हुआ? फंस गए सर दोनों को टपका।
आगे सर। मछली में इतने हीरे हैं तो बाकी मछलियों में कितने होंगे? अगर किसी और को बेच दें तो बहुत पैसा मिलेगा। चुपचाप हम लोग किसी को बेच के लाइफ सेटल कर लेते हैं, क्या बोलते हो? सामान जहां पहुंचाना है पहुंचा देते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। हाँ, क्या हुआ भाई, आज जल्दी उठ गए? हाँ। अरे ए सोनू, हाँ भाई, गर्मा गर्म चाय कॉफी तो बनवा दे। ठीक है भाई, लगता है आज दुकान जल्दी। तो क्या करे भाई, अरे दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, हमारा तो धंधा ही यही है। सही कहा। ए समोसे मास्टर। हाँ मालिक। मैदे में नमक मत डालना, मैंने पहले ही डाल दिया था। ठीक है मालिक, मैंने डालूंगा, बताइए। अच्छा सुन, लगता है प्याज वाला आ गया है, मैं बाद में फोन करूँ। जी ठीक है। हाँ हाँ मुझे याद है भाई, अरे मैंने कहा ना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, जय राम जी की। जय राम जी की। वो यहाँ पे रामेश्वर। मैंने आपको नमस्कार करके आपका स्वागत किया, आपको भी जय राम जी की बोलना चाहिए था ना। जय श्री राम। हाँ लेकिन मैं तो सेलवाराज से मिलने आया हूँ। सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। क्या खाएंगे आप सुबह का नाश्ता? इडली या पाव भाजी या डोसा या पूरी भाजी? मछलियां लेकर मैं शायद गलत पते पर आ गया हूँ, चलता हूँ। अरे सुनिए भाई, इधर आइए, आइए ना, आप सही पते पर ही आए हैं, भाई ने भेजा है ना। जी हाँ। आप गाड़ी को पीछे लेकर आइए, मैं भी आता हूँ। पीछे मतलब? मतलब पीछे की रोड की तरफ लेकर आइए। ठीक है, इसे अंदर रख दो, हाथ मुंह धुलकर नाश्ता कर लो। सेल्वा, 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 हम लोग बर्बाद हो गए सेल्वा, हमने जो सामान भिजवाए थे वो लूट गए। समझ में नहीं आया भाई। नए लोगों के साथ भिजवाया था, वही लोग लेकर उड़ गए। अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए ना तो खुदा कसम मैं उन लोगों को काट डालूंगा। किसे मारोगे भाई? पुलिस चेक करेगी, मुझे सच में पता नहीं था डेविड, मेरा भरोसा करो। भाई आप ही बोलो ना। छोड़ ना भाई, पुलिस चेक पोस्ट छोड़ ना भाई, ये सब छोटे बच्चों की बातें हैं ना। आइए अंदर आइए ना भाई, रघुवीर कैसा है? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं, ये क्या भाई? अरे नहीं नहीं, आप भी ना भाई। हम लोग कितने बिजनेस साथ में किए हैं, कितनी प्रॉफिट बांटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। भाई ये लो पान खाओ। बोलो। अरे पान खाओ ना, खाओ ना भाई। अरे खाओ ना भाई। अरे जग्गू सुन। हाँ भाई। अंदर एक छिपकली मरी पड़ी है, उसे उठाकर बाहर फेंक दे। ठीक है भाई। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो? शरीर में इतना दर्द है, उसको मिटाने के लिए 2 दिन तक हम लोग मसाज करवाएंगे, फिर अपने गांव लौटेंगे हम लोग। ये लो।
जो काम करना था उसके पैसे तो ले चुके हैं हम। अरे काम करने के पैसे तो मिल गए हैं, ये अगले काम के लिए है ना। जी हाँ, अनाथ है क्या तू? दिन हो गए डेविड, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। तू कब आया? बस कुछ दिन हुए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चलो कम से कम तुझे अपनी बहन को देखने की तो इच्छा हुई, यही काफी है। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ डेविड, मेरे लिए क्या लाए हो? ए, तू चुप नहीं रह सकती? जब देखो इससे कुछ ना कुछ मांगती रहती है। गलत क्या किया, इतना तो हक बनता ही है। मुझसे ही तो मांग रही ना थी, छोड़ो ना। बाइबल लेकर आने वाली जगह पर तू पिस्तौल लेकर आया है, तब भी नहीं सुधरा था, अब भी नहीं सुधरा है, तू कभी भी नहीं सुधरेगा। माँ जी, डेविड आज यहाँ कितने दिनों बाद आया है? कहाँ था, कैसा था, कितनी परेशान थी आप, और अब ऐसी बातें कर रही हैं? तू चुप कर, चल।
डेविड, माँ जी को तो तुम जानते ही हो, दिल की बुरी नहीं है। ये कुछ पैसे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम मिलने आते रहो डेविड। भैया चाय। ये कैसी चाय उबाल कर ले आया है? चल जा 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 जा। जय राम जी की। जय श्री राम। क्या रामेश्वर राव, अरे कोट सूट पहनकर रात में? एक खास काम से आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, चल बैठ जा। ये सब अपने यहाँ के लड़के हैं, चल बैठ जा। ये डेविड है, वो रंजीत है। हेलो हेलो। और ये राम। डेविड, ये हमारे दोस्त कोटी हैं, पुराने पहचान वाले हैं, गोवा में रहते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे मालिक अब्बासी ठीक है ना? उनको क्या होगा, सब हैप्पी हैं। बस मैं ही। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अब क्या करूं? एक करोड़ का पाउडर लेकर आया था, अब पार्टी आखिरी समय में गायब हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो वो सामान लेकर आए थे वो संभाल कर रखा हुआ है ना? अरे नहीं भैया, वापस ले जाने में परेशानी है, यहीं कहीं किसी को टिका दूं तो अच्छा है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो... ये क्या, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं करूंगा। डेविड, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कहां लेकर जाएगा पता है ना? वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ अपना धंधा भी बदल लेना अकलमंदी होती है, वरना गायब हो जाओगे। कोटी, ये धंधा डेविड करना चाहता है, सारी जानकारी इसको दे दो। ये लो, कल 10 बजे से एड्रेस पर आ जाना, तब तक मैं बॉस से बात कर लूंगा। चलता हूँ। जय राम जी की। डेविड, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा इच्छा कर रहे हो, समझ में आ रहा है? इच्छा नहीं है भाई, भूख है। डेविड, ये अचानक क्या हुआ? उसके बताया टाइम से पहले गए तो हमें गरजमंद समझेगा वो, अगर 10 मिनट लेट गए तो गैर जिम्मेदार समझेगा, इसलिए अगर टाइम पर जाएंगे तभी वो हमें भरोसेमंद समझेगा। अभी 10 बज रहे हैं। अच्छा तुम जाओ। हाय डेविड, आओ आओ। क्या पियोगे, स्कॉच? मैं तो कुल्ला भी स्कॉच से करता हूँ। सीधे मुद्दे की बात पर आ जाए। मैंने बॉस से बात कर लिया है, ये हेरोइन है, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, बेच कर दोगे तो 50,000 दूंगा। 5%। वेट वेट, ओके, बिजनेस खत्म करके गोवा जाना, तुम्हारा शेयर वहीं मिलेगा। 5% वाली बात बॉस से पूछ लो। बॉस से डिस्कस किए बिना वो कोई फैसला नहीं करते। अच्छा डेविड, ये कौन लेगा, ये तुम्हें कैसे पता? शहर में बुराई को ढूंढना मुश्किल नहीं, चलता हूं। रंजीत, तुम और राम बाहर नजर रखना, कबिल चलो। भाई अंदर ही हैं।
जाओ। तुम तो टाइम पर आ गए। नाम क्या है, क्या लेकर आए हो? ए भाई, ये क्या लेकर आया है? देख, माल कड़क है भाई, ले जाकर अंदर रख। अब यहां क्यों बैठा है? चल निकल। पैसा? पैसा? तुझ में तो बड़ी हिम्मत है रे, तेरी दाद देनी पड़ेगी। मुझे पाउडर देकर मुझसे पैसे मांग रहा है। ए, चल जा बे, सही सलामत निकल ले। टेढ़ा हो गया क्या? सामान देकर खाली हाथ जाएंगे? मुझे बेवकूफ बोला, मुझे बेवकूफ बोला तूने। अब तुझे अक्लमंदी दिखाता हूँ। अब ठीक है ना, ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहा है। तुझे सही सलामत निकलने को कहा था ना, अब तू निकल ले। बहुत देर हो गई, जाके देख ले। मैं देखता हूँ। नाम पूछा था ना, बिल्ला, डेविड बिल्ला। So you are David. रंजीत, कोटी ने बताया था, कोटी से मिले ना? अब तो आपसे मिल लिया ना। Assignment has started. Dimitri, don't worry. I'll do my best. I understand situation. Okay. I will call you back. Sure. लूटा हुआ माल फिर से हासिल करके कैसा लग रहा है आपको? अनबिलीवेबल। ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। हम्म।
डेविड, मीट समीरा, माय गर्लफ्रेंड। हाय। ओके, वेल मीट इन इवनिंग, कम टू माय क्लब। क्लब पसंद आया ना? जन्नत में दावत दे रहे हैं और पूछ रहे हैं पसंद आया। चीयर्स। चीयर्स। आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। थोड़े दिन रुककर सारा कुछ देख कर जाओ। सर फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो अब्बास दिमित्री। ऑसम। ओके आई विल सी अबाउट इट। एनीथिंग सीरियस? दिमित्री का आर्म्स कंसाइनमेंट कोस्टल गार्ड ने सील कर दिया है। हेल्प करने के लिए कहा है। 20 करोड़ रुपए देगा। नहीं अब्बासी, अब उस डिपार्टमेंट में हमारी पहचान का कोई भी नहीं है। आर्म्स प्रिवेंशन एक्ट अब बहुत टफ हो चुका है। सही कहा। 20 करोड़ के लालच में आकर इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब वो कंसाइनमेंट है कहाँ? Thanks, Abbasi. Yeah. For the next consignment, I will let you know. Okay. See you later. Bye. David, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। प्रवीण साहब, ये डील होने के बाद हमें भूल मत जाना। हाँ देखते हैं। क्या कोटी, होने वाले सीएम को लेकर आ गए? पॉलिटिक्स में जाने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं इसलिए लेकर आ गया। क्या हुआ, इलेक्शन है क्या? हमारी कोई मदद चाहिए क्या? जरूरत पड़ेगी। ये सीएम जब तक है तब तक हम जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा बेटा सतीश अगर आपके साथ रहेगा तो काफ़ी सीख जाएगा, पैसे भी कमा लेगा। बैड आइडिया।
बैड आइडिया क्या? इस लड़के का हमारे साथ रहना? नहीं, इस लड़के के साथ हमारा रहना। डेविड, बेकार की बात मत करो, हमें गवर्नमेंट की बैकिंग मिलेगी। पावर मेरे पास, तुम्हारे पास हिम्मत, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। पावर और हिम्मत के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसके आगे काबिलियत भी होनी चाहिए। hey, मैं पॉलिटिक्स में 30 साल से राज कर रहा हूँ, तू कह रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? अगर आप गलती करेंगे तो सिर्फ आपकी कुर्सी जा सकती है, पर इस बिजनेस में जान भी चली जाती है। अब्बासी, मैं इससे बात करने नहीं आया। अब्बासी, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, अब जो होने वाला है उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। जैस्मिन, ये है मिसेस पेड्रो, तुम्हें जो भी चाहिए लाकर देंगी। डेविड, मैंने तो सोचा था हम साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाले हो? अपने बॉस के गेस्ट हाउस में। अब्बासी ने बुलाया,
ठीक है, आता हूँ। प्लीज डेविड, कम से कम मेरे लिए तो यहाँ रुक जाओ ना। कॉलेज के लिए एप्लीकेशन मंगवाया है, फिलअप करके रखना। कंसाइनमेंट छुड़वाने के लिए हमें जो अमाउंट आना था वो डिपॉजिट करवा दिया गया है। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम धर्मिटी। थैंक यू। इस आफत को थोड़ा दूरी रखो। Dmitry хочет, чтобы вы приехали в Боровье, обсудить детали сотрудничества. इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए आप लोगों को Боровье आना पड़ेगा, ऐसा Dmitry चाहते हैं। Definitely. मेरे बदले कोटी आएगा। господа. Have a safe trip back. See you my friend. कोटी, डेविड भी साथ जाएगा, बॉबी को साथ ले जाओ, भाषा जानता है। Dmitry अच्छा दिखता है लेकिन बहुत खराब बंदा है, बी केयरफुल। Decided. Mr. Dmitry, the deal is not worth it. Do you think we are fools? We can't go ahead. It's fine. I'll find somebody else. What does he think of himself? This won't work. He's useless. Idiot. Wait! Who said that? आइसक्रीम ही मंगवाना है ना? आइसक्रीम। ओके मैडम। जैस्मिन, मैं कुछ काम से Боровье जा रहा हूँ, आने में थोड़ा सा। मैं भी चलूँ तुम्हारा साथ देने? मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। रवीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं इट मींस तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? हाँ, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा। डेविड। समीरा। हाय। कैसी हो तुम? गुड। शॉपिंग? ओह नो, आई जस्ट केम हियर टू मीट माय फ्रेंड। जैस्मिन। समीरा, माय फ्रेंड। समीरा, जैस्मिन।
Hi, Jasmine. All right, David. See you later. ओहो, तो यही समीरा है, अब समझी। David, pass me through my fabric. पहले ये फैक्ट्री देखने के लिए बोल रहे हैं। This is my factory. Je vais te faire une auto. Et un chitri. Them just a million of dollar off. AM4 है, एक मिनट में 200 बुलेट निकालती है, 70 मिलियन डॉलर बिजनेस, इनके किए हुए बिजनेस की कीमत 300 मिलियन है। इस विनीतिया, इनका इतना बिजनेस होता है क्या? मार्केट हथियारों का नहीं, मौत का है। जब तक मौत है तब तक हथियारों का मार्केट रहेगा। Ну как тебе мои игрушки? Фактори पसंद आई पूछ रहे हैं। बहुत पसंद आया। हमें अपना बिजनेस अगले लेवल पर ले जाना होगा। मैंने इंद्रराज सा यादुमायु न्यू प्रदरोंचु। डेविड, दिमित्री को बुलाकर डील की बात करेंगे। अब्बासी से पूछे बिना कोई फैसला मत करना। ये मत भूलना कि तुम्हें मेरे साथ भेजा गया है। डर लग रहा है क्या? जब डील की बात चल रही हो तब वहां मत रहना। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था। Извините, господа, Дмитрий хочет вас видеть. Пойдемте со мной. Дмитрий बुला रहे हैं। हमारी मदद के बदले ये कुछ भी करने को तैयार हैं। थैंक यू। हम भी तुम्हारे साथ मिलकर आर्म्स बिजनेस करना चाहते हैं। इट मींस भाई, वी वुड लाइक टू डू बिजनेस विद यू। ओके, आई विल डू माय बिजनेस विद यू, but make sure that of my first consignment passes through the Indian waters, which worth 500 million US dollars. Will do. Hello, Dimitri. Jagdish, my friend, Interpol officer. David, about this main man. He is going to handle Azania's business. Maine suna hai. Smart guy. You're the right place at right time. Good, good. He has some people not right around him. He was a bloody one Interpol informer. Mere department se hi मेरे जरिए उसको पैसे मिलते थे, ये बात वो जानता था। तुम्हारे साथ जाने पर ऐसी बात हो रही है,
इसका क्या मतलब है? वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं था। सुनो कोटी, बिजनेस डेवलपमेंट का कोई आइडिया सुनाया था क्या? सर खफा लग रहे हैं। डेविड, मैंने तुम्हें ब्रोविया क्यों भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम पर शक हो रहा है। ये शक आपको हुआ है या कोटी को हुआ है? हाँ, तुम्हारे कामों को देखते हुए किसी को भी शक हो सकता है। अब्बासी, मैं चुपचाप कुछ नहीं करता। मेरे बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमसे पहले मैं उस बॉबी को जानता था। वो आदमी हमारा भरोसेमंद था। भरोसेमंद आदमी कौन? बॉबी? बॉबी इंटरपोल का इन्फॉर्मर था। वो मेरे बचपन का साथी था। फंसाता नहीं हमको। अब तक जितने लोगों ने फंसाया है वो भी मेरे साथी ही थे। जिस काम से गए थे वो काम खत्म करना था। तुमने उससे बिजनेस की बात क्यों की? बिजनेस को एक मुकाम पर ले जाना है। मैंने आप ही के लिए बात की। हथियारों के बिजनेस में कितना मुनाफा है ये तो आप जानते ही हैं। मुनाफा चाहे कितने भी करोड़ का हो तो क्या हुआ? अब्बासी तुमसे पूछकर बिजनेस करेगा, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अब्बासी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोटी बिल्कुल सही कह रहा है। दिमित्री के बारे में तुम क्या जानते हो? उसके साथ डायरेक्ट आर्म्स बिजनेस करने का मतलब हमारा खुद आत्महत्या करने के समान है। अब्बासी, मुझ पर भरोसा रखो। इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संभल कर चलना। जस्मिन, अबे क्या कर रही है? चलो। ए, क्या चाहिए तुझे? क्या? इन कबीलों को बाहर निकालो, जल्दी करो। डेविड, मेरे साथ रहो ना, मेरे साथ। तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुझे पता है। मेरी क्या गलती है? सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश है। छोड़ कर ही जाना था तो क्यों लाए? अब्बासी, डेविड को काबू में रखो। उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट को परेशानी हो रही है। मिनिस्टर प्रवीण कुमार के बेटे को पब्लिक प्लेस में मारा है उसने। अगर उसने आगे कुछ कर दिया तो उसके ऊपर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। उससे तुम्हें परेशानी होगी। फिर तुम मुझसे नाराज मत होना, ओके? मैंने पहले ही कहा था, तुम माने ही नहीं। ये लो, आ गया, खुद ही पूछ लो इससे। क्या हुआ कोठी, अब कौन सी नई आग लगाई तूने? तुम्हारी हरकतों की वजह से जो मुझे सलाम करता था अब मेरे सामने बैठकर मुझे वॉर्न करके जा रहा है। मैंने क्या किया है? सतीश को क्यों मारा?
जैस्मिन से जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे मारूंगा। कौन है जैस्मिन? वो पर्सनल है। पर्सनल क्या है? वैसे भी प्रवीण कुमार हमसे नाराज है और अब उसके लड़के को पीट दिया इसने। इसकी वजह से मेरे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। मेरा बिजनेस? दिल में कुछ और रखकर बोल रहे हो क्या? सीधे बात करो। नौकर से सीधे बात करने की जरूरत नहीं है। डिमिट्री के कंसाइनमेंट को जब बचा कर लाया था तब तो दोस्त बन गया था मैं। ये दोस्त नौकर कब बन गया? तू दिन पर दिन अपने लिमिट क्रॉस कर रहा है डेविड। मेरी बात सुन अब्बासी, तू कुछ और सोच कर बात कर रहा है। बिल्ला दोस्ती में जान भी दे सकता है। और दुश्मन हो तो जान से मार देगा क्या? क्यों भाई? अगर अब्बासी नहीं तो डेविड भी नहीं। अब्बासी, बैठ कर काम कराने वालों में और अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वालों में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखना। मैंने फैसला कर लिया है, अब से ड्रग्स बिजनेस को हम खुद करेंगे। डेविड, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो, गलती हो जाएगी। आज ही हमने सही फैसला किया है। कितना कमा कर दिया है हमने उसे। तो उससे क्या, कितने सालों से वो इस बिजनेस में है, तुम्हें करने देगा ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर? हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे का प्लान? कार्निवल वाले दिन रशियन ड्रग डील को हम पूरा करेंगे। I am Ram. You want to go and do business on your own? Smart move. So I see you want to handle these deals on your own now. But do you think you can do it without a Abbasi? Thank you.
I am proud of you, Ram. Good job. तुम्हारी कनाडा जाने की इच्छा थी ना, ये लो खर्चे के लिए, मेरी बातों को मानने के लिए, कहे मुताबिक काम पूरा करने के लिए। थैंक यू अब्बासी। तारिक। अब्बासी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? डेविड के साथ जैसा किया, कल को मेरे साथ वैसा नहीं करोगे, क्या गारंटी है? उसी दिन कहा था, बैठकर काम करने वालों में और अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वालों में बहुत अंतर होता है। डेविड के बारे में तुमने गलत सोचा, क्यों? यस, तुमसे आमने सामने मुकाबला करना चाहिए था, किसी और पर भरोसा नहीं। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। शूट मार! डेविड, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए। जंग में हजारों दुश्मनों को मारा जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन धोखेबाज को जिंदा छोड़ना बड़ी गलती है। मुझे मत मारो साहब, प्लीज प्लीज। विल से डेमेट्री, वेलकम माय फ्रेंड। हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आर्म्स कंसाइनमेंट इज रेडी। एज पर आवर डिस्कशन, यू प्रॉमिस्ड यू विल हेल्प अस क्रॉस द इंडियन वाटर्स। विल डू एज ऑलवेज। इफ यू डू एज यू वांटेड, वी कैन वर्क टुगेदर। My share? 5%. ₹30%. Just because you replaced Abbasi, don't assume you can dictate terms. Mere bina gun consignment, 1 inch bhi nahi legi. ₹30%. My consignment will reach Azhania even without you. सर, आपका चेक। श्योर। थैंक यू। माय प्लेजर सर। लोगों की गरीबी मिटाने के लिए सरकार की योजनाएं और पैसे ही काफी नहीं हैं। अभी अभी डेविड बिल्ला ने हमारे स्टेट वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। हम इन पैसों को जनता की भलाई के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए खर्च करेंगे।
इसी तरह मैं आप लोगों से फंड्स की उम्मीद रखता हूं। थैंक यू। आपके यहां आने से मैं बहुत खुश हुआ। 1 करोड़ रुपए स्टेट वेलफेयर फंड्स, वो भी पब्लिक के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ भी, कितना भी, कभी भी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारी यह हालत होती तो तुमसे यह सब कहा नहीं जाता। गैंगस्टर होते हुए शॉर्टकट मारकर वीआईपी बने हो तुम। बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा या फिर भिखारी क्यों ना हो, मेहनत करते हैं। मनी डजंट कम इजी सर। आप चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं, बट यू स्टिल नीड गैंगस्टर लाइक मी टू डू योर डर्टी जॉब सर। अपने दुश्मनों को हैंडल करने के लिए मुझ जैसे गैंगस्टर की जरूरत हमेशा पड़ती है। तुमने मुझे गलत समझ लिया है। ये सीएम नॉट फॉर सेल। हमारी इंटेलिजेंस टीम ने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है। जस्ट वन एविडेंस टू पिन यू, यू विल एंड अप इन प्रिजन। अंडरस्टैंड? Get the intelligence wings file on, David Billa. It's urgent. David, चलो नीचे चलते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। Come on, David. Guests are waiting. Samira, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? CM ने कुछ कहा क्या? Deposit Villa's check in the bank or send the file on my table and check to the bank. Okay, sir. Manjeet. करते हैं कि इस केस में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी को सजा मिलेगी। पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। जनता से मेरी अपील है कि वो घबराए ना तथा इस मुश्किल घड़ी में शांति बनाए रखें। मिनिस्टर साहब, ये चाल किसी की समझ में नहीं आएगी। क्या कह रहे हो? डिमिट्री के लिए बिल्ला की जरूरत नहीं है,
तुम्हारे सीएम बनने के लिए इस सीएम का हटना जरूरी था। एक तीर से दो शिकार हो गए। आज के बाद डिमिट्री का इंडिया का सारा बिजनेस हम ही लोग डील करेंगे। इतने खुश मत हो, बिल्ला अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है वो। अब वो बाहर नहीं आ सकता। जमानत के लिए अर्जी दी हुई है ना? जमानत मांगी तो क्या, उसने सीएम को धमकी दी है। बहुत सारे आई विटनेस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है। कैसे बाहर आ सकता है वो? इसके अलावा अगर वो बाहर आ भी गया ना, तो आपके सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है। अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। माय लॉर्ड, आई प्रे दिस कोर्ट टू ग्रांट बेल फॉर माय क्लाइंट मिस्टर डेविड बिल्ला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कटघरे में खड़ा हुआ ये डेविड बिल्ला हादसे के दिन हद से ज्यादा शराब पीकर चीफ मिनिस्टर को अपने धंधे में मदद करने के लिए धमकी दे रहा था। यह नजारा वहां खड़े हुए सभी लोग देख रहे थे। यहां तक कि योर ऑनर, मीडिया के कैमरे में भी इस बात की फुटेज मौजूद है। अगर आप इस शख्स को जमानत पर छोड़ देंगे तो ये आदमी बाहर योर ऑनर सारे सबूतों और गवाहों को मिटा सकता है। ये शख्स कड़ी सजा का हकदार है योर ऑनर। अतः आपसे मेरी दरख्वास्त है कि डेविड बिल्ला को जमानत ना दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। I find undue haste has been shown by the police in arresting the defendant without proper evidence. Until such evidence is produced to the court, I enlarge him in the bail with a third party surety for 5 lakhs. The court is adjourned. उस फंक्शन में तुम सीएम से इमोशनली बातें कर रहे थे, उससे लेकर प्रवीण कुमार खेल खेल गया था। मैंने तो सोचा था जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे संभाला था? तुम कहते थे ना, दूसरे का डर ही हमारी ताकत है, वही अप्लाई किया था। आपको तो पता ही है कि 1/3 मेजॉरिटी तो हमको बहुत पहले से मिला हुआ है। मैं सबको मिनिस्ट्री की पोस्ट तो नहीं दे सकता ना। अरे हमें सीएम तो बनने दो, उसके बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ। क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? हा? इसी के लिए तो इतने साल इंतजार किया था ना। मेरे पास तो सीएम बनने की ख्वाहिश रखता था, उसके लिए जाल बुना, ये सब राजनीति है जिसके लिए तूने मुझे जेल भेजा। बेवकूफी की। अब क्या तुम मुझे मारोगे? मेरा दोस्त बनने के लिए कोई काबिलियत की जरूरत नहीं, लेकिन दुश्मन बनने के लिए काबिलियत जरूरी है, जो तेरे पास नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जेल के अंदर से भी तुझे टपका सकता हूं। बेवकूफी की बात कर रहे हो बिल्ला। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जान देने के लिए लाखों जनता है मेरे साथ। जनता तुझे शायद वोट भले दे दे, लेकिन जान नहीं देगी। मिस्टर प्रवीण कुमार, डेविड बिल्ला तेरे जाल में फंसने वाला नहीं। तू डेविड बिल्ला से उलझना मत। कोटी, बोलिए सर। बिल्ला मुझे वार्निंग देकर गया है, उसके मरने की न्यूज मुझे सुननी है। you
जैस्मिन, कैसी हो तुम? मैं आ गया हूँ ना, तो रो क्यों रही हो? तुम्हारे जल्दी लौट आने के लिए प्रे कर रही थी। डेविड, तुम्हारे एनकाउंटर का प्लान है, सब लोग यही कह रहे थे। मिनिस्टर साहब, डिमिट्री और बिल्ला के बीच अनबन हो गई है, इंडिया में अब उसे एक आदमी चाहिए। आप हाँ कीजिए तो मैं बात करता हूँ। लियो, तुगबरी, ओके, कोटी। हेलो कोटी। या, या। मिनिस्टर प्रवीण कुमार वांट्स टू टॉक यू। हेलो डिमिट्री, आई एम हियर टू हेल्प यू। मेरी जान निकल रही थी और तुम हंस रहे हो। जैस्मिन, तुम बहुत डर रही हो। बिल्ला, रिलैक्स। तुम इतने जल्दी आ जाओगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कैसी हो? आई एम फाइन। व्हाटएवर इट टेक्स बिफोर माय शिप रीचेस इंडियन वाटर्स। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बिल्ला विल नॉट बी अलाइव। आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट। आप कोई आम इंसान थोड़े हैं। अब देखना कैसे खेलता हूं मैं। जैस्मिन, तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूं। तुम मुझे जाने के लिए कहोगे, ये मैं जानती थी। डेविड बिल्ला। क्यों डेविड, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कौन? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी बात मानो वरना जैस्मिन मारी जाएगी। कोटी, फौरन चली आओ, घर में रहना खतरा है। खतरा है? What happened? तुम आओ, मैं बताता हूँ। तुम जल्दी से आकर जैस्मिन को ले जाओ। जैस्मिन को कहाँ लेकर जाना है? मेरी चर्च। जैस्मिन, अब तुम्हारा इंडिया रहना ठीक नहीं, मलेशिया चली जाओ, वहाँ सारी तैयारियां मैं कर दूंगा। मुझे भेजकर उसके साथ तुम ऐश करोगे, यही चाहते हो ना? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। हेलो। ओके। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी,
चाहो तो उसे मलेशिया भेज दो मेरी बुला से। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। समीरा को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने नहीं खींचा, तुमने ही फोन करके उसे बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैस्मिन प्लीज समझो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। समीरा वहां अभी आ जाएगी, उसके साथ चली जाओ। भेजना चाहते हो ना? मैं जाऊंगी, तुम्हारी नजरों से बहुत दूर। तुझसे कितनी बार कहा कि मुझसे लड़ना नहीं, तूने क्या सोचा कि तू बहुत शाना है? साले तूने दिमित्री से दुश्मनी मोल ली है और हम दोस्त बन गए हैं। अब समझ में आया? अब ले। तेरे साथ ऐसा भी होगा, ये तूने सोचा भी नहीं था ना? मेरी जिंदगी में एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक पल मैंने अपने आप को हीरे सा तराशा है। मारो उसे, छोड़ना नहीं। खत्म कर दो साले को। खत्म। Hello friends, it's time to talk business. I know you are interested to see what you have purchased. The value of the weapons I have made you is only $500 million. Weapons power is invaluable. Ibu anak aduh, ia ni net ni mian aduh. Kebun kasi ibu ayah batana.
Our chief is happy, but you want to know if the shipment will arrive on time. Your weapons are ready now. The ship carrying the weapons will depart from the port in a few hours. It will sail through Japan, Indonesia, Thailand, and Indian waters. I guarantee you it will arrive on time. See live view of weapons leaving my factory. Mistake I made. I didn't believe in him. You in 1 hour. Thank you.
The train should reach the port at any cost, you understand? Now go. सोचा हुआ सारा काम खत्म हो गया। अभी शो शुरू हुआ है।